बाइक्स जो आप बनाते हैं, क्या ये रोड लीगल है? क्योंकि इतना कलर चेंज हो रहा है, इतनी कस्टमाइजेशन हो रही है, तो आप असली में इंडिया की सड़कों में ये सब चला सकते हैं? देखो, चला 100% सकते हैं। बात करें अगर लीगल की, तो कभी भी हम 100% कभी नहीं बोलते कि जो बाइक्स जो कस्टमाइज आप रोड पे चला रहे हो वो लीगल है, ना ही हम किसी कस्टमर को बोलते हैं। बहुत सारी लीगल होती हैं। अगर आप एग्जॉस्ट, आप आवाज़ कम रखिए, एग्जॉस्ट जब भी हम बना के देते हैं तो उसमें डीबी किलर्स होते हैं, इसका अच्छा जो साउंड कम जो साउंड को कम कर देते हैं, ओरिजिनल साउंड कर देंगे। तो वो डीबी किलर आप लगाइए। गाड़ी का पेंट, जैसे फॉर एग्जांपल ये बाइक है आपके सामने, इसके अब एग्जॉस्ट में हमने डीबी किलर भी लगाए हैं। अगर हम इसमें सब कुछ जाली वगैरह इसकी सारी निकाल देंगे तो ऑब्वियसली काफ़ी लाउड हो जाएगी, बट हम डीबी किलर लगा के देते हैं। अपने एंड से हम कोशिश करते हैं कि जितना यू नो बाइक चलाते हुए किसी और को डिस्टर्बेंस ना हो, वैसी बाइक हमारी हो। इसका कलर RC में वाइट था, अच्छा, तो इस बाइक में हमने वाइट कलर ही किया है। इसका ब्लैक था, इसका ब्लैक कलर ही किया है। इसके चेसी नंबर हो, इंजन नंबर हो, वैसे का वैसे वहीं पे इंटैक्ट रहता है। तो क्या क्या चीज़ें जब मॉडिफाई हो जाती हैं वो इलीगल हो जाते हैं, और किन चीज़ों में अगर आप थोड़ा बहुत करते हो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है? जैसे आपने आई थिंक जैसे बोला कि अगर आप चासी हो गया या गाड़ी का कलर हो गया वो सब करते हो तो फिर चांसेस है कि हाँ, कलर भी, या फिर अगर किसी को बहुत बड़ा ऐसे मॉड चाहिए और समथिंग, तो कस्टमर को हम वही बोलते हैं। लाइक अगर आप इस काम में वो करना चाहते हो तो कस्टमर को पहले पता होता है कि हाँ भैया नहीं है। बट इफ़ यू आर फॉलोइंग ऑल द अदर रूल्स, हेलमेट पहना, सारे इंश्योरेंस रखा है, ओरिजिनल पेपर रखे हैं, आपका एग्जॉस्ट साइलेंट है, आपकी गाड़ी का कलर आपकी RC से मैच कर रहा है, जैसे इंजन नंबर सारे इंटैक्ट हैं, तो आपको 99% ऑफ द टाइम कोई दिक्कत नहीं है। 1% अब बाइक इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है, दिखती है रोड पे, हेड टर्नर लुक होती है, लोग रुक रुक के देखते हैं। तो हाँ, मैं कस्टमर को ही मैनेज करना होता है और मैनेजेबल होता है।